हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के बाहर आने के बाद आखिर क्यों साजिद खान अब प्रियंका चाहर चौधरी का बिग बॉस के घर से बाहर आने का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार? क्यों साजिद खान ये चाहते हैं प्रियंका को बॉलीवुड में लॉन्च करना? क्या चाह रहे हैं एक्चुअल में साजिद खान? वेल, ये खबर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। बताएंगे आपको इस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई, लेकिन उससे पहले चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल ना भूलें। वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर प्रियंका चाहर चौधरी के भले ही हमेशा आप नजर आए हो साजिद खान, भले ही लाख लड़ाइयां हुई हो, लेकिन बिग बॉस के घर के बाहर आने के बाद इंसान रियल हो जाता है। जी हाँ, बिग बॉस के घर के अंदर कभी कोई अपनी रियल पर्सनालिटी शो नहीं करता। अगर वो किसी इंसान को पसंद करता है, उसे सबसे ज्यादा स्ट्रांग मानता है, फिर भी उसकी बुराई करता है, और यही कर रहे हैं साजिद खान। बिग बॉस के घर के अंदर साजिद ने प्रियंका से जम के लड़ाइयां की। इन बाहर आके अक्सर कई जगहों पर प्रियंका चाहर चौधरी की तारीफें करते हुए वो नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि प्रियंका घर की सबसे क्लेवर मास्टरमाइंड है, वो बहुत ज्यादा डिजर्व करती है बिग बॉस की ट्रॉफी को जीतना। तो दोस्तों, हाल ही में खबर आई है कि प्रियंका चाहर चौधरी की टीम से मिले हैं साजिद खान, और वो करना चाहते हैं प्रियंका को अपनी फिल्म के लिए साइन। इसके पीछे की आपको वजह बता दें, IFTDA इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन द्वारा 2018 में साजिद खान को फिल्म्स डायरेक्ट करने से बैन कर दिया गया था। इसकी बड़ी वजह थी मी टू मूवमेंट पर लगे हुए साजिद खान के ऊपर संगीन इल्जाम, और उसके बाद लगातार 4 साल के बड़े गैप के बाद अब जाकर जब साजिद खान की इमेज बिग बॉस के जरिए थोड़ी सी सुधरी है, तो वो फिल्म्स को डायरेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रियंका चाहर चौधरी को अपनी फिल्म में काम देना चाहते हैं, क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर के बाहर जब प्रियंका आएंगी तो उनकी पॉपुलैरिटी चरम सीमा पर होगी, और ऐसे में अगर प्रियंका साजिद खान के साथ काम करेंगी तो उनकी इमेज पर लगे हुए धब्बे मिट सकते हैं। इसीलिए अब साजिद खान प्रियंका का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। दोस्तों, क्या प्रियंका साजिद के साथ काम करने के लिए मानेंगी? हमें अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।